सब्जेक्ट जो हम जैसे शिक्षार्थियों को तैयार करते हैं शिक्षण शास्त्र के लिए, वह शिक्षण शास्त्रीय कहलाते हैं। और हमें निर्णय लेने के लिए आकलन का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे आकलन शिक्षण शास्त्रीय निर्णय की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। क्योंकि जो हम जैसे शिक्षक तैयार करते हैं, जैसे विद्यार्थी बीएड वगैरह करते हैं, तो ये शिक्षण शास्त्रीय निर्णय है कि उनको आगे जाकर किस प्रकार से सिलेबस तैयार करना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो शिक्षण शास्त्रीय आगे शिक्षण शास्त्रीय निर्णय की प्रक्रिया का प्रमुख आधार बना गया है। भले यह निर्णय चाहे शिक्षा छात्र प्रधानाध्यापक एवं किसी अन्य संस्था द्वारा कि विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार से किया जाए। अब चाहे शिक्षक से संबंधित ले लो, छात्र से संबंधित ले लो, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य संस्था द्वारा लिया ले लो, क्योंकि अधिगम का आकलन अधिगम के लिए आकलन और तथा आकलन अधिगम प्रक्रिया के रूप में संबंधी अवधारणाएं किसी न किसी प्रकार से जो शिक्षण शास्त्रीय है उन शिक्षण शास्त्रीय पक्षों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। अब चाहे प्रत्यक्ष रूप से ले लो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ले लो, शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत जो है इनको प्रभावित करते हैं। तथा आकलन संबंधी ये जो प्रमुख उपागम है निर्णय लेने के, ये प्रमुख उपागमों को इनको पांच भागों में बांटा है, जिनके आधार पर शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण शास्त्रीय निर्णय लिए जाते हैं। कितने भागों में बांटा है? पांच भागों में, पांच भागों में शिक्षण शास्त्रीय सिद्धांतों को पांच भागों में बांटा है। और जिसमें से इन पांच भागों में से, यानी जिन पांच भागों में बांटा है, उनमें से ये जो शिक्षण शास्त्रीय शिक्षण शास्त्रीय निर्णय पांचवा उपागम माना जाता है, यानी शिक्षण शास्त्रीय निर्णय पांचवा आकलन का पांचवा उपागम है। इससे पहले चार उपागम होते हैं, जिससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें जैसे इन पांच उपागमों में से सबसे पहला है प्रथम भाग या उपागम, प्रथम भाग या उपागम। उसके बाद दूसरा है द्वितीय भाग या उपागम, उसके बाद तीसरा तृतीय भाग या उपागम,
उसके बाद चौथा चतुर्थ भाग, चतुर्थ भाग यानी आग्रह के उपयोग को पांच भागों में बांटा है, जिसमें प्रथम भाग, इस प्रथम भाग के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है उसको बताते हैं, फिर द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग और जो पांचवा जो है वह शिक्षण शास्त्रीय निर्णयन, ये पांच उपागम होते हैं। अब जो प्रथम भाग का जो उपागम है, इस प्रथम भाग के उपागम के अंतर्गत तैयार की जाती है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट से ले लो तैयारी के अंतर्गत, इसमें जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी और इनके साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आकलन का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे या किया जाएगा, कौन कौन सी लिया जाएगा तथा किस प्रकार शिक्षक एवं छात्र की इसमें भूमिका निश्चित की जाएगी। इस प्रकार प्रथम उपागम में, इस प्रथम उपागम में आकलन की रूपरेखा तैयार की जाती है कि जब हम विद्यार्थी का आकलन करेंगे तो उसमें विद्यार्थी का क्या रोल रहेगा तथा शिक्षक का क्या रोल रहेगा, कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल करेंगे, कौन से विषय होंगे जैसे गणित है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इन विषयों से संबंधित आकलन करेंगे तथा कब करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कौन सी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे, या फिर अधिगम विद्या है या अधिगम से संबंधित जो गतिविधियां है उन अधिगम गतिविधियों, कौन कौन सी अधिगम गतिविधियों का सहारा लेते हुए हम विद्यार्थी का आकलन करेंगे। फिर आता है रूपरेखा तैयार करने के पश्चात, प्लानिंग के बाद दूसरा जो उपागम है द्वितीय उपागम या भाग, द्वितीय उपागम या भाग। अब द्वितीय उपागम या भाग के अंतर्गत
व्यवस्था करना कि अधिकार व्यवस्था में शिक्षक एवं छात्र दोनों की भूमिकाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। अधिकार गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रीकरण करते हैं सूचनाएं। आकलन कर लो। अब जब विद्यार्थी का हम इसके आधार पर यानी
का पता लगाता है कि बालक ने कितना सीखा है। फिर इसके बाद आता है प्रत्यय उपागम के बाद चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग या उपागम। अब चतुर्थ उपागम में बालक को आज्ञा भेंट देने के पश्चात बालक इसमें इतना प्रवीण कुशल, प्रवीण या कुशल, इतना प्रवीण या कुशल हो जाता है कि वह अधिगम के साथ साथ आकलन करता है। यानी जब वह सीखता है, अधिगम यानी सीखना, अधिगम अधिगम यानी सीखना, जब वह अधिगम करता है तो उस अधिगम के साथ साथ आकलन या खुद का मूल्यांकन करता है तथा अधिगम के लिए आकलन तथा आकलन अधिगम के रूप में सम्भव।
कि हम किस प्रकार से शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान संबंधी उनको जैसे टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह ग्रेड वगैरह होती है उनको पाठ्यक्रम उनसे संबंधित जो पाठ्यक्रम उसको सिखा कर किस प्रकार से उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास करवाते हैं। फिर है प्रयोग संबंधी, पहला तो यह है, दूसरा है प्रयोग संबंधी, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा प्रयोग संबंधी, और तीसरा है शिक्षण शास्त्रीय विश्वास संबंधी, विश्वास संबंधी। इस प्रकार पांच उपागम में इन तीन प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब शिक्षण शास्त्री शिक्षण शास्त्रीय निर्णय